हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। एंड सर्कल द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को आपको सर्किल करना था, गोला लगाना था। दैट हैव बीन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट था द पप्पी इज अंडर द टेबल। पप्पी है वो अंडर द टेबल है, मतलब टेबल के नीचे। तो पप्पी क्या था? नाउन था। और यहाँ पर इट इज़ ब्लैक, नाउन की जगह पर प्रोनाउन क्या यूज़ हो गया था? इट हो गया था कि वह ब्लैक है। तो इट पे हमने गोला लगा दिया था, ये तो कल हमने बता दिया था। अब आज का देखिए, आई एंड सोनी आर सिस्टर। मैं और सोनी दोनों बहनें हैं, ठीक है। वी आर ब्यूटीफुल। अब आई और सोनी दोनों क्या है? नाउन है। नाउन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? बी। तो बी प्रोनाउन है, इसलिए इसको गोला लगा देंगे। ऐसे ही कावेरी इज़ माई फ्रेंड। कावेरी क्या है? नाउन है, ठीक है। और नाउन की जगह पे यहाँ पे क्या यूज़ हो गया? शी इज़ नाइस, शी यूज़ हो गया। तो सी प्रोनाउन है, सी पे गोला लगा देंगे। ऐसे ही टिम एंड जिम आर प्लेयर्स। टिम और जिम दोनों क्या है? ये नाउन है, ठीक है। और इनकी जगह पर यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो दे एक प्रोनाउन है, इस पर हम गोला लगा देंगे। टिम और जिम की जगह दे यूज़ हो गया, दोनों के लिए प्लूरल है क्योंकि ये एक से अधिक है इसलिए। मनीष इज़ राइटिंग, मनीष लिख रहा है। तो मनीष क्या है? नाउन है, ठीक है। और इसकी जगह पर यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ? ही। ही इज़ राइटिंग नीटली, वह साफ सुथरा लिखता है। तो ही क्या प्रोनाउन है, इसलिए ही पे गोला लगा दिया कि मनीष की जगह प्रोनाउन क्या यूज़ हो गया? मनीष एक नाउन है, मनीष की जगह प्रोनाउन यूज़ क्या हुआ? ही। ऐसे टिम और जिम नाउन है, तो इनकी जगह प्रोनाउन क्या यूज़ हुआ? दे। कावेरी एक नाउन है, नाउन की जगह क्या यूज़ हुआ? शी, क्योंकि ये गर्ल है इसलिए शी। ये मनीष बॉय था इसलिए ही। आई एंड सोनी क्या है? नाउन है, इनकी जगह वी यूज़ हो गया, ये प्लूरल में आते हैं। पप्पी क्या है? पप्पी नाउन है, इसकी जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ इट, ठीक है। ये तो था आपका कल का होमवर्क। अब आज का आपका होमवर्क मैं दिखाती हूँ, आपको क्या करना है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद, आपको खाली जगह भरनी है किसके साथ? आई के साथ। आई का मतलब होता है मैं, ही वह, ही बॉय के लिए यूज़ होता है मैंने बताया था, शी गर्ल के लिए, शी मीन्स भी वह होता है, ही मीन्स भी वह होता है, शी गर्ल के लिए यूज़ होता है, और इट, ये और यूज़ नहीं होगा, इट यूज़ होगा, है ना। इसका मतलब है इनके अलावा ये एक इट और है, ठीक है। इट एनिमल्स, कोई थिंग्स है, इन सब के लिए यूज़ होता है। इट का मतलब यह भी होता है और वह भी होता है, ठीक है। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक, एम ए डांसर। अब देखिए, आई ये क्या बोलते हैं, एम, एम के साथ हमेशा क्या आता है? आई आता है, ये ध्यान रखना कि एम के साथ जब भी एम आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इनमें से क्या बनना है, तो एम आई ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि एम आई के साथ ही आता है। आई एम ए डांसर, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड में देखिए, फिल इन द ब्लैंक इज़ ए कार। अब ये मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। तो इज़ ए कार, यह एक कार है, ठीक है। तो कार क्या है? एक थिंग है। इसके लिए, थिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इट यूज़ होता है, तो इट लिख देंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक इज़ माई फादर। अब फादर क्या है? बॉय है, है ना। तो बॉय के लिए हमेशा क्या होता है, मेल के लिए क्या यूज़ होता है? ही यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ही। तो ही लिख देंगे हम यहाँ पे। ऐसे फिल इन द ब्लैंक इज़ माई आंट। अब आंट क्या है? गर्ल है, फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है? शी। तो शी लिख देंगे यहाँ पे। फिर नीचे देखिए, फिल इन द ब्लैंक इज़ ए बॉल। बॉल क्या है? थिंग है, खेलने की वस्तु है ना। तो थिंग्स के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है? इट यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ ए बॉल, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क था, ये आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।